हेलो दोस्तों, जावा सीखने के लिए कोडर सैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम रिवर्स पिरामिड स्टार पैटर्न बनाएंगे इन जावा लैंग्वेज में। तो जैसे आप देख सकते हैं, यह रिवर्स पिरामिड का पिरामिड स्टार पैटर्न है। तो यहाँ पे मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद हम मेन मेथड यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होने के बाद अब हम अपना यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। फर्स्ट हम आउटर लूप लिखेंगे रो के लिए, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, देन आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, देन आई प्लस प्लस कर देंगे हम। फिर इनर लूप, ये हमारे कॉलम के लिए यूज होगा, इंट जे इक्वल टू 2। फर्स्ट हम यहाँ पे इन स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये स्पेस ये दिख रहा है आपको, ये स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। देन इसके बाद हम अपना स्टार का लॉजिक लिखेंगे। तो जे इक्वल टू 2, जे लेस देन इक्वल टू आई, देन जे प्लस प्लस। अब यहाँ से हम अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ से हम स्पेस को प्रिंट करा देंगे। स्पेस प्रिंट होने के बाद अब हम अपना यहाँ से स्टार का लॉजिक लिखेंगे। फॉर लूप, इंट के इक्वल टू 5, के लेस के ग्रेटर देन इक्वल टू आई, देन के माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम अपना स्टार को प्रिंट करवा देंगे विथ 1 स्पेस। हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। कंपाइल एंड रन करेंगे तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल एंड रन करूंगा। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया अपने यहाँ से, कंपाइल जावा सी p6.java। कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ। अब हम अपने प्रोग्राम को रन, जावा एंड p6 क्लास में। तो आप देख सकते हैं, हमारा पिरामिड रिवर्स में प्रिंट होके आ गया है। अब मैं इसको वन बाय वन आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। यहाँ से फर्स्ट फॉर लूप का यूज हम कर रहे हैं रो के लिए, एंड सेकंड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं हम कॉलम के लिए। तो फर्स्ट इंट इक्वल टू आई लिया है, इसके अंदर 1 वैल्यू पुट किया है। 1 5 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू था, हम इसमें आ जाएंगे। तो जे इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम के की वैल्यू 5 है, 5 बड़ा होता है 1 से, तो हम यहाँ से 5 बार स्टार को प्रिंट करा देंगे। तो ये 5 हमारे स्टार ये प्रिंट हो जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। यहाँ से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 2, यहाँ से कंडीशन ट्रू लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, देन हम इसमें आएंगे और एक स्पेस प्रिंट करा देंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक स्पेस प्रिंट हो गया है, एक स्पेस प्रिंट करा दिया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 3 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट फॉर लूप में मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू 5 ही है, 5 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 हो गई है। तो यहाँ से हम 4 स्टार को प्रिंट करा लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, ये 4 स्टार हमने प्रिंट करा दिया है विथ 1 स्पेस के साथ, ये 4 स्टार हमने प्रिंट करा दिया। फिर 4 स्टार प्रिंट करने के बाद फिर हमारा कर्सर यहाँ से इसमें नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर यहाँ से
ट्रू हो जाएगा, कंडीशन टू लेस देन इक्वल टू थ्रू, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से हम दो स्पेस प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे दो स्पेस प्रिंट करा दिए हैं। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू फोर हो जाएगी दो स्पेस प्रिंट कराने के बाद, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स, तो हम नेक्स्ट फॉर लूप में आ जाएंगे। यहाँ से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होता है, तो यहाँ से हम तीन बार स्टार को प्रिंट करा देंगे। तो ये तीन स्टार हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। थ्री स्टार हमने ऐसे प्रिंट कराया कि जहाँ पे हमारे पास फाइव है थ्री, कंडीशन ट्रू एक बार आएंगे स्टार प्रिंट कर दिया। फिर माइनस करेंगे फोर होगा, फिर कंडीशन ट्रू फाइव ले ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा और ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर थ्री हो जाएगा यहाँ से, तो थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू तो यहाँ से वापस से एक स्टार ये वाला प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे के की वैल्यू टू हो जाएगी, कंडीशन फोर्स, तो हम इसलिए नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से आई की वैल्यू फोर हो जाएगी, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ से हम तीन तीन स्पेस को प्रिंट करा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीन स्पेस हैं, वन टू थ्री, थ्री स्पेस हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे और यहाँ पे टू स्पेस प्रिंट करा देंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पांच बड़ा है चार से, तो एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस माइनस करके चार हो जाएगा, चार ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, देन यहाँ पे एक बार और स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो ये स्टार दो स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिए। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे, फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, यहाँ से हम चार टाइम स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पे चार टाइम स्पेस प्रिंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे यहाँ पे, तो फाइव कंडीशन ट्रू है, फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होता है तो एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से माइनस माइनस करेंगे तो कंडीशन फॉल्स, तो हम नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएंगे और पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।